बरनाला शहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के लिए 8 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में 1260 केस सुनवाई के लिए आए और 925 से अधिक केसों का आपसी रजामंदी के साथ निपटारा किया गया। इस मौके पर 5 करोड़ रुपए के अवार्ड भी पास किए गए। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए लोक अदालत में केसों का निपटारा करवाने आए जीवन कुमार और योगराज ने बताया कि वे पिछले कई सालों से अपने केसों और झगड़ों को लेकर कचहरी के चक्कर लगा रहे थे और आज उनके वकील द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके सभी केसों का निपटारा करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत हर महीने लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज जड़ी नेशनल लोक अदालत बरनाला जिला कचहरियां विच लग रही है, इदे विच जड़े 8 बेंच काम कर रहे ने, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स दे ते 1 परमानेंट लोक अदालत दा बेंच कर रहा है। इदे विच कुल जड़े हैगे 770 केसेस आज लिस्ट किए गए सी। हुण तक जड़ा 400 तो वध केसां दा फैसला हो चुका है, जिदे विच जड़ा फैमिली डिस्प्यूट्स, लेन देन दे मामले, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम केसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस ते जड़ा है 138 दी कंप्लेंट्स हैगियां, उन्हां दे फैसले किए गए हैं। कुछ जड़े हैगे प्री लिटिगेटिव केसेस भी सीगे जिन्हां दा फैसला इहदे विच कीता गया है। लोगों नू लोक अदालत का बहुत फायदा हो रहा है। बहुत पुराने पुराने जड़े झगड़े हैगे है वो मुक जाते हैं तो अगे जड़ा है वो फाइनल सैटल हो जाता है, वो अगे अपीलों वगैरह तो भी मुक्ति मिल जाती हैगी है। कोर्ट सिस्टम तो बिल्कुल लोग बाहर हो जाते हैं तो दोनों पार्टियां जड़िया है विन विन पोजिशन के होंदियां तो दोनों का जड़ा है कंपनसेट होंदा है। मैनू सर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है, जज साहब के कहने मेरे वकीलों के कहने मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ कि जो मेरे सारे झगड़े चलते जी अज लोक अदालत के सारे जाके आके कंप्रोमाइज भी हो गए तो निबड़ गए। तो मैं तो कहना जी आए महीने लोक अदालत लगनी चाहिए है जिसे लोगों को रिलीफ ज़्यादा तो ज़्यादा मिले। लोक अदालत का लोगों को ही फायदा नहीं बल्कि मैं ये समझना भी जुडिशियल सिस्टम की बड़ी वड्डी देन हैगी है लोगों की। जुडिशियल सिस्टम जिथे डिले होंदा देसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इतने तो जस्टिस आप घर बुला के दे रहे हैं। हुण इस बंदे ने योगराज ने 8 लाख रुपए के करीब अमाउंट देना सी और कई केसिस दे विच इन्हूं कंपनसेशन भी देनी सी बराबर चैक दे बराबर दे अमाउंट दी, वो सारा रिलीफ इसनूं मिल गया। 8 लाख की बजाय यदा सिर्फ 3.5 लाख रुपए के नबेड़ा हो गया।